नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज से सभी जिलों में मनाया जा रहा है बिजली महोत्सव। दिल्ली के बड़े उद्योगपतियों को बिहार में निवेश करने का मिला न्योता। दो दिनों बाद सरकारी विभागों ने ऑनलाइन सुविधा की बहाल। 10वीं टॉपर श्रीजा से अब मिलना चाहते हैं पिता। अक्षर पटेल ने तोड़ा पाकिस्तान के ऑलराउंडर खिलाड़ी का रिकॉर्ड। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज से सभी जिलों में मनाया जा रहा है बिजली महोत्सव। देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान कई कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। इस बीच बिहार के सभी 38 जिलों में आज से यानी 25 जुलाई से 30 जुलाई तक बिजली महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश चलाने वाले विद्युत क्षेत्र के विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। इसी दौरान राजधानी पटना के स्मार्ट मीटर के लाभार्थियों से भी बात करेंगे। विद्युत मंत्रालय ने बिजली महोत्सव के तहत बिहार के हर जिले में दो दो कार्यक्रम आयोजित करेगी। राजधानी पटना में इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए अधिवेशन भवन एवं बिहार म्यूजियम को आयोजन स्थल के तौर पर चयनित किया गया है। इन जगहों पर 26 और 27 जुलाई 2022 को इन दोनों स्थलों पर बिजली महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस विभाग के कर्मियों का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा जिले से बाहर। बिहार में अमीन और राजस्व कर्मियों की तबादले की नीति बदल गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कुछ दिन पहले राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय द्वारा इस विभाग में तबादले किए गए थे, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोक लगा दिया था। इसके बाद अब बिहार अमीन सह राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली को लेकर भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जिसमें यह कहा गया है कि राज्य में अमीन और राजस्व कर्मियों का ट्रांसफर जिले से बाहर नहीं होगा। आपको बताते चले कि पुराने संवर्ग नियमावली 2013 को लागू करने के बाद यह प्रावधान किया गया है, जिसके तहत पुरानी नियमावली सक्रिय होने के साथ एक बार फिर से जिलाधिकारियों के पास यह अधिकार मिल गया है। दिल्ली के बड़े उद्योगपतियों को बिहार में निवेश करने का मिला न्योता। बिहार का उद्योग मंत्रालय प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को न्योता दे रहा है। यही वजह है कि बिहार में हिंदुस्तान यूनिलीवर, बियाडा, पेप्सी जैसी कंपनियां बिहार में निवेश कर रही हैं। इसी कड़ी में बिहार ने दिल्ली के उद्योगपतियों को राज्य में निवेश का निमंत्रण दिया है। आपको बता दें कि बीते दिन दिल्ली में उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने चुनिंदा उद्योगपतियों के साथ बैठक की। उन्हें बिहार में उद्योग की संभावनाओं की विस्तार से जानकारी दी। उद्योग मंत्री ने उनसे बदल रहे बिहार को करीब से देखने का भी न्योता दिया और कहा कि दो दिन के लिए ही सही, बिहार जरूर आए। दो दिनों बाद सरकारी विभागों ने ऑनलाइन सुविधा की बहाल। सरकारी विभाग में दो दिन शनिवार और रविवार से चल रहे ऑनलाइन कर्फ्यू आज से खत्म हो गया है। एक बार फिर से सरकारी विभागों के ऑनलाइन वेबसाइट पर काम शुरू हो गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उपकरणों के मेंटेनेंस कार्य के कारण वेबसाइट को शनिवार और रविवार को बंद किया गया था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से बताया गया कि सोमवार से वेबसाइट पहले की तरह काम करने लगी है। आपको बता दें कि शनिवार रविवार को करीब 44 सरकारी विभागों का काम किया गया। इसके बाद अब आज से लोग विभाग के वेबसाइट के माध्यम से विभिन्न तरह की जानकारियां और फैसले ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्तमान मुख्यमंत्री को दिया गुरु मंत्र। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गुरु मंत्र दिया है। दरअसल बीते दिन जीतन राम मांझी की पार्टी हम के 7वें स्थापना दिवस पर बोधगया में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम मांझी ने नीतीश कुमार को साल 2025 में भी मुख्यमंत्री बनने का राजनीतिक नुस्खे की नसीहत दी है। जीतन राम मांझी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार से ठेके में दलितों की हिस्सेदारी बचाए, इसके साथ ही 1 करोड़ रुपए तक के ठेके में एससी एसटी समुदाय से आने वाले लोगों को आरक्षण भी दिया जाए, महिलाओं, अल्पसंख्यक और दलितों को आरक्षण का भरपूर लाभ दीजिए। अगर नीतीश कुमार ने ऐसा कर दिया तो साल 2025 में भी वे मुख्यमंत्री बनेंगे। पहले दिन शांतिपूर्ण संपन्न हुई अग्निवीर वायुसेना की परीक्षा। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निवीर योजना के तहत बिहार में 24 से 31 जुलाई तक चलने वाली अग्निवीर भर्ती परीक्षा में बीते दिन युवाओं का जोश देखने को मिला। आपको बता दें कि बीते दिन राजधानी पटना में इसके लिए 14 केंद्रों पर ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई और 3 पालियों में यह परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। परीक्षा प्रश्न पत्र की बात करें तो परीक्षा में अभ्यर्थियों से गणित, भौतिकी, अंग्रेजी, रीजनिंग व सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे गए। छात्रों के मुताबिक प्रश्नों का लेवल मध्यम स्तर का था। चित्र से संबंधित रीजनिंग प्रश्न थोड़े कठिन थे। अग्निवीर वायु इंटेक की ऑनलाइन परीक्षा में सफल होने के बाद अभ्यर्थियों को 2 और फेज से गुजरना होगा। फेज 2 में फिजिकल टेस्ट और फेज 3 में मेडिकल जांच से गुजरना पड़ेगा। फेज 2 क्वालिफाई करना अनिवार्य है। इसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी। बिहार के 9 जिलों में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का निर्माण कार्य हुआ पूरा।
बिहार के 9 प्रमंडलीय जिलों में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर DEIC की स्थापना की गई है। इनमें भागलपुर, दरभंगा, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, पटना, सहरसा और सारण जिला शामिल हैं। इसके माध्यम से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत रेफर किए जा रहे बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। वहीं उच्च स्तरीय स्वास्थ्य केंद्रों पर इलाज के लिए संबंधित लोगों के साथ समन्वय स्थापित करना है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि इन जिलों में भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, वहीं शेष 5 जिलों में भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि DEIC के संचालन से बाल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी और बच्चों में होने वाले कई जटिल समस्याओं का जिला स्तर ही उचित उपचार हो सकेगा। मानसून की बारिश ने सूरज की तपिश पर लगाया लगाम। बिहार में मानसून मेहरबान हुई है। मानसून की बारिश ने बिहार में सूरज की तपिश पर लगाम लगा दिया है। इस दौरान बिहार के अधिकतर जिलों में के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ओर से प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान 19 जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और हल्के से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना जताई गई है, जिसमें दरभंगा, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, वैशाली, सीतामढ़ी, अररिया, समस्तीपुर, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, कटिहार, जमुई, बांका, मुंगेर और भागलपुर जिले के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। 10वीं टॉपर श्रीजा से अब मिलना चाहते हैं पिता। इस खबर को सुनने के बाद यह बात बिल्कुल सही साबित होती हुई दिख रही है कि यह दुनिया स्वार्थ पर टिकी है। जब एक 5 साल की बिन माँ की छोटी सी बच्ची को जिस पिता ने छोड़ दिया था, आज जब अपने जीवन की सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया है, तो आज बेटी याद आ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं CBSE टॉपर बिहार श्रीजा की। राज्य टॉपर श्रीजा के संघर्ष और हौसले को सोशल मीडिया पर खूब शाबाशी मिल रही है। श्रीजा की नानी ने एक इंटरव्यू में बताया कि हमारे दामाद ने इस छोटी सी बच्ची को बेटी के निधन होने के बाद छोड़ दिया था। इसके बाद अब यह खबर आ रही है कि बेटी के टॉपर बनने की खबर के बाद अब श्रीजा के पिता बेटी से मिलना चाहते हैं। वहीं श्रीजा के इस हौसले को देख उनकी नाना नानी सलाम कर रहे हैं और श्रीजा के रूप में नातिन पाने की खुशी में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मुफ्त की योजनाओं के चलते बिहार की वित्तीय व्यवस्था बिगड़ी। बिहार में नीतीश सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की वजह से बिहार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, यह कहना है RBI का। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार बिहार देश के उन 10 राज्यों में एक है जिन पर कर्ज और ब्याज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस महीने बुलेटिन जारी किया है जिसके अनुसार बिहार, पंजाब, राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। सरकार के मुफ्त वाली योजनाओं से बिहार की वित्तीय स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। बिहार समेत 3 राज्यों के कर्ज में बढ़ोतरी का सबसे बड़ी समस्या मुफ्त योजनाओं को बताया गया है। बावजूद इसके सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी जारी है। तेज प्रताप यादव ने बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार को भेजी नोटिस। बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार द्वारा की गई फिल्म पृथ्वीराज चौहान के डायरेक्टर को लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने नोटिस भेजा है। यह नोटिस फिल्म पृथ्वीराज चौहान को लेकर है। तेज प्रताप यादव ने ट्विटर पर इसकी जानकारी साझा करते हुए लिखा कि यदुवंशी वीर अहीर आल्हा की वीरता फिल्म पृथ्वीराज में न दिखाया जाना कुंठित मानसिकता को उजागर करती है। सोचने वाली बात यह है कि बिना वीर अहीर आल्हा के किरदार की फिल्म को कैसे पूरी मानी जाए। यदुवंशी वीर अहीर आल्हा ने पृथ्वीराज को 52 बार युद्ध में परास्त किया था। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी पर बोले उपेंद्र कुशवाहा। 18 जुलाई को हुए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के बाद आज 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू ने 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण किया। वहीं आज हुए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए शासित राज्यों के सभी CM सहित अन्य दलों के CM भी शपथ ग्रहण का हिस्सा बनने के लिए संसद भवन पर पहुंच गए, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में नहीं गए, जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई। इसी चर्चाओं पर पूर्ण विराम लगाते हुए जदयू अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि देश के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण सिर्फ औपचारिकता कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री के दूसरे कार्यक्रम भी हैं, इसलिए जरूरी नहीं है कि वह हर कार्यक्रम में शामिल हो। फिलहाल उनके पास दूसरे कार्यक्रम हैं जिसमें वह व्यस्त हैं, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। मुकामा विधानसभा सीट पर अपने सबसे बड़े दुश्मन को टक्कर देंगे मुकेश सहनी। 21 जुलाई को विधान परिषद में अपना कार्यकाल खत्म कर चुके मुकेश सहनी अब बिहार में घूम घूम कर अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश
कर रहे हैं। इसी कड़ी में वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी ने बीते दिन ऐलान किया कि वो मुकामा में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में अपने सियासी दुश्मन एनडीए को मात देने के लिए तैयार है। मुकेश सैनी ने मुकामा विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बीते दिन पार्टी कार्यकर्ताओं और संघ बैठक की। उन्होंने कहा कि हम मुकामा में पूरी ताकत से उतरेंगे और अपने दुश्मन यानी भाजपा को मात देंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुकामा के तत्कालीन विधायक अनंत सिंह के आवास से हथियार बरामद होने के बाद उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई है। इसके बाद उनकी विधायकी भी खारिज कर दी गई है। इसी वजह से मुकामा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। अक्षर पटेल ने तोड़ा पाकिस्तान के ऑलराउंडर खिलाड़ी का रिकॉर्ड। अक्षर पटेल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 35 गेंद पर नॉट आउट 64 रनों की पारी खेली और छक्के के साथ टीम इंडिया को आखिरी ओवर में 2 विकेट से रोमांचक जीत दिलाई। पोच ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल मैदान पर खेले गए इस मैच के असली हीरो अक्षर पटेल ही रहे और मैन ऑफ द मैच भी चुने गए। भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसकी शायद ही किसी को उम्मीद होगी। इस दौरान अक्षर पटेल ने 17 साल पुराना पाकिस्तान का ऑलराउंडर शोएब मलिक का वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त कर डाला। कोरोना के मामले में उतार चढ़ाव जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी सोमवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 16,886 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 150,877 हो गई है, जहां देश भर में कुल 41 लोगों ने जान गंवाई है। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में कमी आई है, जिसके बाद राज्यभर में कुल 305 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 102 नए मामले दर्ज किए गए हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजकुमार प्रसाद, नुन्नू कुमार, सिद्धार्थ कुमार, रामसेवक यादव, स्मार्ट प्रिंस, संजीत कुमार, सुमन, राजीव कुमार, जितेंद्र ठाकुर, कविता कुमारी, नीतीश कुमार और रंजीत मिश्रा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में अक्षर पटेल के प्रदर्शन को देखते हुए आपको उनमें एक ऑलराउंडर की प्रतिभा दिखाई देती है या नहीं। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।